भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किए बिना केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां कार्रवाई कैसे कर सकती हैं। साथ ही दिग्गी ने इस कार्रवाई को संघीय ढांचे पर गहरा आघात बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर 3 दिन से जारी आयकर विभाग की छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। राजधानी में अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह कार्रवाई देश की संघीय व्यवस्था पर बड़ा आघात है। केंद्र सरकार की एजेंसियां ऐसी कार्रवाई करने के पहले राज्य सरकार को सूचित करती हैं, यह व्यवस्था है। ऐसी कार्रवाई में 90 दिन तक केंद्रीय एजेंसियां कुछ भी सार्वजनिक नहीं करती, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष की बोर्ड सब्सिडी ने कुछ घंटे में ही सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। भारत के संविधान के संघीय ढांचा है और कोई भी केंद्र के अधिकारी कर्मचारी बिना राज्य सरकार को सूचित करे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र के ईडी और आईटी के लोग सीआरपीएफ को लेकर यहां आए, मैं संविधान के संघीय ढांचे पर इस पे उसका आघात मानता हूं। यह हमारे संविधान का उल्लंघन है और इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, वित्त मंत्री जी को देना चाहिए। तो क्या मोदी थे? पहली बार हो रहा है। सामान्य तौर पर सीबीडीटी, ईडी, आईटी कोई स्टेटमेंट 90 दिन के अंदर नहीं देते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जिस दिन छापा पड़ा उसी रात को स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये भी पहली घटना है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने अश्विनी शर्मा को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि जिसके यहाँ छापा पड़ा और करोड़ों रुपए नगद मिले, वह खुद कह रहा है कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ। देश की जनता सब देख रही है और लोकसभा चुनाव में वह ऐसा करने वालों को सख्त जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मामा के यहाँ छापा पड़ता तो इससे ज्यादा पैसे मिलते। पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति के घर से पैसे बरामद हुए वो खुद कहता है वो भाजपा का समर्थक है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, हमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे, स्टालिन तमिलनाडु के उन्होंने उसका विरोध किया, कर्नाटक के मंत्रियों के यहाँ छापे डले। अरे मामा जी के यहाँ छापा डल जाता तो पता नहीं कितना मिलता। बहरहाल आयकर छापेमारी पर पूरे चुनावी मौसम में सियासत गर्म रहेगी, लेकिन देखना होगा कि इसका नतीजों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।